अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। यूपी के संभल जिले में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में तब्दील हो गई जब दो लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला धनारी थाना क्षेत्र के गांव नगला चतुर भानुपुर का है, जहां कल रात कल्याण सिंह की बेटी की शादी में कल्याण सिंह के चचेरे भाई उरमान सिंह और उनके रिश्तेदार तोकी की अचानक तबियत बिगड़ गई, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि शादी के दौरान दोनों ने अत्यधिक शराब पी ली थी। दोनों की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि ग्रामीण अंचलों में अवैध रूप से कच्ची शराब बनाई जाती है। मोटा मुनाफा कमाने के फेर में अवैध शराब के कारोबारी लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। आइए देखते हैं इस मामले पर क्या कहना है संभल के SP यमुना प्रसाद का और मृतक के परिजनों का। धनारी थाना क्षेत्र के नगला चतुर्भानपुर में कल्याण है व्यक्ति जिनके घर पे शादी समारोह था, वहाँ पे बहुत सारे उनके रिश्तेदार आमंत्रित थे और वो आपस में खाना पीना कर रहे थे। इसी बीच में दो व्यक्ति जो तोकी और उरमाल हैं उनकी तबीयत खराब हो गई रात्रि में और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें कई सारे लोग शराब पी रहे थे और खाना भी खा रहे थे, जिसमें केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इनकी मृत्यु घोषित कर दिया गया था और इनका पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी इनकी सारी जांच की जा रही है। अभी प्रथम दृष्टया ऐसा कोई कारण नहीं निकल के आया है कि जहरीली शराब से मृत्यु हुई हो। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा कि मृत्यु का कारण क्या था और उसको हम लोग एनालाइज करेंगे और उसके अनुसार विधिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अभी कई सारे लोग, इनके कई सारे रिश्तेदार जो वहाँ पे इकट्ठे थे, वो सारे लोग खाना पीना कर रहे थे और केवल दो ही व्यक्ति की तबीयत खराब हुई थी और इन सभी को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए दोनों बॉडी भेज दी गई है और वहाँ पे जितने भी साक्ष्य पाए गए हैं फूड के और अदर साक्ष्य, उन सबको कब्जे में लेकर के मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। उसके आधार पे जो भी रिजल्ट आएंगे उसके आधार पे विधिक कार्रवाई की जाएगी। आधार कार्ड में तो सोनवती ज्वाला नाम है। किस गाँव की रहने वाली हो आप? नंगरा चतुर्भानपुर की। क्या हुआ था आपके साथ, क्या हादसा हुआ? ये शादी किसकी? देवरौतिन की। अच्छा, फिर? तो शराब ले आए दुकान पे थे, गांव में थे। कौन लेके आए थे? गेई लाए, तीन जने लाए। आपके पति? हाँ। और दोनों तीनों जने ने पी, एक तो सही है गई और एक दो खत्म हो गई। कहाँ से लेके आए थे दारू? दुकान पे थे, लगे गांव में थे। क्या कोई ब्लैक में बेचता है आपके गाँव में? दुकान पे धले, दुकान पे रख ली है। हाँ। अच्छा, क्या नाम है उसका? हरिओम नाम है। हरिओम नाम है। तो क्या दारू जो है शराब जहरीली थी, क्या बात? अब ना मालूम भैया, जहरीली पियते ही खन तुरंत ही उल्टी आ गई उनको। अच्छा। हाँ, हम तो ही ना पेशाब करना आए तो तुरंत ही गिर गए, पियत खन उल्टी आ गई तो तुरंत ही पिरान लिखा है। अच्छा। हाँ। और कौन लोग थे, वो कौन है आपके दूसरे? हमारी फुफुआ सास के भतीजे। अच्छा, वो भी खत्म हो गए? हाँ, वे भी खत्म। कहाँ के रहने वाले हो? शैमरा के। शैमरा थाना गुन्नौर? पमाशा। तो क्या डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया था आपने? गिन्नौर को ले गए, उन्होंने तुरंत ही वापस कर दे। क्या कहा? ना कही के इसमें तो जहर है। अच्छा, पुलिस मौके पर पहुंची थी क्या रात? ना, रात ना गुहाना पहुंची ही आ गई। पुलिस आपके गांव में आई थी, आपके घर पे? कहां पर हैं अब वो? वहां पर पोस्टमार्टम के लिए। अब पुलिस क्या मदद कर रही है आपकी? कोई मदद कर रही नहीं। इस खबर में बस इतना ही, तब तक देखते रहिए फुल पाई टीवी।